हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को NTU UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आज की इस वीडियो पर हम लोग यूनिट 4 के अंतर्गत सेक्शन दिस रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए कौन से फैक्टर जरूरी है, वो सारी चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है बताओ? साइकोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पर 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला होगा आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा होगा आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड थर्ड होगा आपकी सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होगा उसके अंतर्गत सब पॉइंट्स क्या है, देखिए, इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड है एंड फीलिंग्स है। अब इंटरेस्ट के अंतर्गत क्या मीनिंग है देखिए, इसका मतलब है एबल टू मेक द लेसन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर टीचर्स को लेसन को इंटरेस्ट बनाना होगा। अब ये लेसन इंटरेस्ट साइकोलॉजी से कैसे डील करेगा देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट की नीड होती है, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है, स्टूडेंट की इंटरेस्ट होती है, ये सारी चीज़ों को जानते हुए टीचर को लेसन को इंटरेस्ट बनाना होगा। अब स्टूडेंट की जो नीड्स है, जो कैपेबिलिटी है, जो इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ साइकोलॉजी के अंतर्गत ही तो आती है। इसीलिए यहाँ पर ये जो लेसन इंटरेस्ट है ये डील करेगा आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या है देखिए, शुड बी इंटेलिजेंस इनफ टू नो हाउ टू मैनेवर द क्लासेस। यहाँ पर टीचर के अंतर्गत ऐसा इंटेलिजेंस पावर होना चाहिए जिसके थ्रू क्लासेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक उन्हें पता चले। मैनेवर का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक, मतलब क्लास को मैनेज करने के लिए कौन से टेक्निक को फॉलो करना होगा, वो सारी चीज उनको जानना होगा, ठीक है। और ये सारी चीज भी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है। एटीट्यूड, राइट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर टीचर को राइट एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, दोनों एटीट्यूड ही होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? फीलिंग्स। और फीलिंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है देखिए, should have a positive feeling। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर हमेशा positive attitude, positive feeling के ऊपर जोर दिया जा रहा है। positive feeling के साथ, positive emotion के साथ यहाँ पर classes में teacher को हर एक चीज represent करना होगा, student के साथ deal करना होगा। he or she has to eradicate the feeling of the fear, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर की जो डर है, जो फियर है, उसको यहाँ पर नष्ट करना होगा। इरेडिकेट का मतलब है नष्ट करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर का जो फियर होती है, जो एंगर होती है, वो सारी चीज क्या करना होगा, यहाँ पर इरेडिकेट किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। और ये सारी चीज टीचर कैसे करेगा? पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव इमोशन के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंतर्गत क्या है? शुड नो हाउ टू डील विद द स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर को जानना होगा कि स्टूडेंट के साथ कैसे डील किया जाए, स्टूडेंट के साथ यहाँ पर डील का मतलब है कैसे इंटरैक्ट किया जाए, वो सारी चीजों के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट क्या है? मेंटल हेल्थ, मतलब इट इज स्टेट ऑफ वेल बीइंग, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब स्टूडेंट की जो स्ट्रेस होती है, लाइफ की जो स्ट्रेस होती है, उस स्ट्रेस को यहाँ पर हटाना होगा, रिलैक्सेशन देना होगा स्टूडेंट को। यहाँ पर स्टूडेंट की काम में प्रोडक्टिविटी को लेके आना होगा, मतलब उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो पॉजिटिव हो सके, मेंटल इलनेस ना आ जाए, वो डिप्रेशन में ना चले जाए, ये सारी चीजों को देखना होगा। उनको रिलैक्सेशन फील कराने के लिए जो टेक्निक्स है वो सारी टेक्निक्स यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एबिलिटी, शुड गेट टू नो देयर स्टूडेंट एंड देन दे कैन हेल्प देम टू लर्न। इसका मतलब क्या है? कौन सी क्षमता, कौन सी एबिलिटी की बात बोली जा रही है? यहाँ पर बोली जा रही है कि टीचर के अंदर ऐसा एबिलिटी हो जिसके थ्रू स्टूडेंट के बारे में वो जान सके,
हर एक डिटेल स्टूडेंट के बारे में जान सके, ठीक है, जिसके थ्रू स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम वो हेल्प कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में जानना होगा, उस तरह की क्षमता टीचर के अंदर होना चाहिए। और ये सारी चीज किसके अंतर्गत होगा लर्नर्स? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी के अंतर्गत देखो, शुड बी मैच्योर, यहाँ पर टीचर को मैच्योर होना होगा किसके लिए? टू नो द स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट नीड को जानने के लिए, और उसके साथ साथ कैन ऑल्सो मोटिवेटेड एंड सिग्निफिकेंटली एनहेंसिंग लर्निंग, मतलब लर्निंग को एनहेंस करने के लिए, स्टूडेंट को मोटिवेट दिलवाने के लिए, स्टूडेंट के नीड को यहाँ पर फुलफिल करने के लिए यहाँ पर टीचर की मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एज वेल एज द स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ टीचर की जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छा हो, उसके साथ साथ स्टूडेंट की जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छा हो सके। स्टूडेंट की फिजिकल हेल्थ के लिए टीचर क्या करेगा, जैसे कि जितना को करिकुलम एक्टिविटीज होती है, जो गेम्स होती है, जो योगा होती है, वो सारी वर्कआउट होगा, उसके अलावा जो कैंटीन में फूड होती है उस फूड के न्यूट्रिशन के बारे में देखना होगा, ये सारी चीज फिजिकल हेल्थ के साथ डील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ कंसेप्ट, मतलब इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज इनटू द लर्निंग एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पर खुद के बारे में जानकारी होना जरूरी है, यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स के अंतर्गत क्या है चलिए देखते हैं। फर्स्ट है सोशल एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर समाज क्या चाहती है वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में देखा, अब सोशल फैक्टर्स में किसके बारे में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे सोसाइटी के बारे में। मगर यहाँ पर जब सोसाइटी की नीड्स को देखा जाएगा तब हम लोग एज ए होल देखेंगे, मतलब ना तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को देखेंगे, ना तो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को देखेंगे, हम लोग कैसे यहाँ पर स्टूडेंट के साथ डील करेंगे, कैसे स्टूडेंट की नीड को फुलफिल करेंगे और सोसाइटी की नीड को फुलफिल करेंगे, एज ए होल उसको देखते हुए, एज ए होल परसेप्शन करते हुए हम लोग स्टूडेंट एंड सोसाइटी दोनों की नीड को यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है हर स्टूडेंट से वो सारी चीज भी यहाँ पर फुलफिल करवा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखो जो रिलीजियस बिलीफ होती है वो सारी चीज़ों के ऊपर रिस्पेक्ट देना, उसको ओबीडियंट होना, उन सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना, ये सारी चीज़ टीचर के अंदर होना चाहिए। कल्चर के बारे में, सोसाइटी के हर एक नॉर्म्स के बारे में, रिलीजियस के बिलीफ के बारे में, रिलीजियस की इक्वालिटी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में एक कंसेप्ट देना होगा हर एक स्टूडेंट को, वो कैपेबिलिटी टीचर के अंदर होना चाहिए। लास्ट क्या है, अचीवमेंट। यूज अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। देखिए हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग गोल होती है, अलग अलग नीड होती है, ठीक है। अब सोसाइटी की भी अलग अलग नीड होती है, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, उस सारी चीजों को, मतलब इंडिविजुअल नीड एंड सोसाइटी की नीड, उन सारी चीजों को एज ए होल देखेंगे। तो हमारी जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर टीचर क्या करेगा, वैरायटी ऑफ जो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है वो सारी चीजों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो चलिए यही पर खत्म होती है हमारी फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग। और एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी, जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है आपकी 3 अगस्त से। तो यहाँ पर याद रखना, 3 अगस्त से कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपको वन टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको क्या करना होगा, 5,000 रुपीज देना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट क्रैश कोर्स करने के लिए 5,000 रुपीज देना होगा। ये कंप्लीट क्रैश कोर्स दिसंबर के लिए है, जो स्टूडेंट दिसंबर में नेट एग्जाम देना चाहते हो तो ये कंप्लीट क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स करेंगे तो आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम के ऊपर बेस करते हुए आपको तैयारी किया जाएगा। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है। तो ये न्यू सेशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा ऑफर है वो क्या है देख लीजिए। अगर आप किसी एक स्टूडेंट को ये कंप्लीट क्रैश कोर्स रेफर करोगे, अगर वो आपकी दोस्त ये कंप्लीट क्रैश कोर्स करेगा तो आपको सिर्फ 3,000 रुपीज देना होगा, ठीक है। तो कितना रुपीज देना होगा, वन टाइम के लिए 3,000 रुपीज। और ये 3,000 रुपीज से सिर्फ और सिर्फ पेपर टू नहीं, आप पेपर वन भी करोगे। मतलब आप एक बार 3,000 रुपीज दोगे और पेपर वन एंड पेपर टू आप कर लोगे सिर्फ दिसंबर की एग्जाम के लिए। और आपकी जो दोस्त है उसके लिए भी ऑफर है, वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज में पेपर वन एंड पेपर टू कर पाएगा, ठीक है। और एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, अगर आप किसी 3 फ्रेंड्स को ये क्रैश कोर्स रेफर करोगे और वो 3 फ्रेंड्स आपकी ये क्रैश कोर्स करेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज देना होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज देना होगा और आप पेपर वन एंड पेपर टू दोनों ही कर सकते हो और आपकी जो फ्रेंड्स है वो 5,000 रुपीज पर पेपर वन एंड पेपर टू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक ऑफर है, तो प्लीज मिस मत कीजिए 3 अगस्त से, ठीक है। ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है तो जितना हो सके आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 833, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 833-590-8896, ठीक है। 833-590-8896 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो आप। अब मैं पूरी जो प्रोसीड्यूर है कैसे आप लोग पेमेंट करोगे वो सारी चीज मैं बता दूंगी। तो हरी अप स्टूडेंट, 3 अगस्त से ये स्टार्ट हो रही है, ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करती हूँ। लेसन अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू।